अभी हमें पता है कि यहाँ पे 15 से 20 हजार करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा हर साल। आपकी बार साठ पार का नारा सार्थक करते हुए हम पुनः उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी कांग्रेस को। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं News 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजनीति में तीसरे विकल्प की उम्मीद जगा रही आम आदमी पार्टी। दिल्ली का सियासी करिश्मा उत्तराखंड में दोहराने को बेताब है। उत्तराखंड नव निर्माण का संकल्प लेकर आप चुनाव रणनीति बनाने में जुटी हुई है। पार्टी पहले ही 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ ही कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार के दिल्ली मॉडल के दम पर उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा कर रही है। सियासी जमीन तलाशने के लिए आप शुरुआत से ही जनहित और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सक्रिय है। कल काशीपुर में रैली के दौरान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दो बड़ी घोषणाएं की, जिसमें पहली घोषणा 18 साल से ज्यादा की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने और दूसरी बड़ी घोषणा रानीखेत, डीडीहाट, काशीपुर, कोटद्वार, यमुनोत्री और रुड़की को अलग जिला बनाए जाने का वादा केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता से किया। आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी जन मुद्दों को लेकर सक्रिय है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल उत्तराखंड में दूसरे विकल्प के रूप में जोरों शोरों से जनता के सामने अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं और वो लगातार जनता के बीच में जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं। इससे पहले वो रोजगार गारंटी यात्रा को लेकर उत्तराखंड पहुंचे, बिजली फ्री की जो घोषणा है वो उन्होंने की। उन्होंने कहा कि वो सत्ता में आते ही लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि वो सत्ता में आते ही 1,00,000 लोगों को रोजगार देंगे, सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टरों में वो लोगों को रोजगार देंगे और 80% आरक्षण उत्तराखंड के युवाओं को यहां पर दिया जाएगा। 4 धामों को भी मुफ्त में लोगों को यात्रा कराने का मौका देने की बात कही। आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना वर्चस्व दिखा रही है। हालांकि 2022 में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो जनता के बहुमत से ही तय होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आम आदमी पार्टी चुनावी तैयारियां कर रही है और जिस तरह से चुनाव को देखते हुए लगातार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, उससे ये बात तो साफ है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से 2022 का चुनाव जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कल काशीपुर में महिलाओं को संबोधित करते हुए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 18 साल से ज्यादा की हर महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, जो काफी ज्यादा विवादों में भी आया है। ये जो वादा है, ये वादा कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, यूकेडी हो या फिर कोई भी विपक्षी दल हो, सबने इस वादे का विरोध किया है। सभी पार्टियों का ये कहना है कि ये जो 1000 रुपए महिलाओं को, मातृशक्ति को दिए जा रहे हैं, ये उनके साथ, उनके आत्मसम्मान के साथ छेड़छाड़ है। यदि महिलाओं को कुछ देना ही है तो उनके हाथ को काम दीजिए। इस तरह से ये जो 1000 रुपए का वादा है महिलाओं को देने का, इस पर काफी ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है और आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। आगे की चर्चा को बढ़ाने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं गौरव जोशी, भाजपा के महामंत्री और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र चौहान। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारी आज की चर्चा में। सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के पास यानी कि गजेंद्र चौहान जी आपके पास आना चाहूंगी। जी गजेंद्र चौहान जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी 1000 रुपए का जो वादा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल काशीपुर में कल करके गए महिलाओं के लिए, ये वादा काफी ज्यादा विवादित है। महिलाओं को 1000 रुपए देना सम्मान है या फिर अपमान?
सम्मान है जी, जी। अपमान किस लिए है? महिला का सम्मान किया हमने तो, केजरीवाल जी ने बहुत सम्मान किया, बहुत अच्छी बात रखी है कि महिलाओं को उत्तराखंड में 1000 रुपए की सहायता मिलनी चाहिए। उनके कम से कम ये लगा लो कि एक गैस जो इतनी महंगी हुई है, तो गैस कुछ टाइम पहले 550 रुपए की थी, आज 1000 रुपए की हो गई है, ठीक है जी। उसके बाद सड़क से लेकर और उसके घर तक लगा लो आपकी कम से कम कहीं कहीं 2 किलोमीटर कहीं कहीं 3 किलोमीटर तक भी हाइट है, पैदल रास्ता है। वहाँ पे उनको जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे युवा तो है नहीं वहाँ पे उत्तराखंड में, क्योंकि युवा तो 21 साल उसके उत्तराखंड हो गया है, युवा बाहर जा चुका है रोजगार पाने के लिए, तो माँ बाप बुजुर्ग वहाँ पे घर में रहते हैं, तो उनकी बड़ी दिक्कत होती है। तो वहाँ पे किसी के थ्रू वहाँ पे घर में गैस मंगाते हैं, तो 100 रुपए वहाँ देने पड़ते हैं ऊपर जाने के, गैस घर तक पहुँचाने के। चलिए मैं आपके पास फिर आऊंगी गौरव जोशी जी, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से भी ये तंज कसा जा रहा है, क्योंकि ये 1000 रुपए जो महिलाओं को देने की बात कही जा रही है, हालांकि ये नियत अच्छी हो सकती है आम आदमी पार्टी की महिलाओं को लेकर, लेकिन फिर भी लगातार विपक्ष इस पर तंज कस रहा है। विपक्ष लगातार इस जो वादे की है वो खिलाफत कर रहा है, और लगातार ये बात की भाई ये महिलाओं का अपमान है, उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम नमस्कार राखी जी। जी, युवाओं के लिए घोषणावीर हैं अरविंद केजरीवाल जी, निरंतर घोषणाओं पे घोषणाएं उत्तराखंड में। अगर दिल्ली में कुछ कार्य हो रहा है, दिल्ली में महिलाओं के लिए कुछ योजना तैयार की गई, दिल्ली में अगर योजनाओं का क्रियान्वयन में हो रहा है, तो उसका उदाहरण देना। अरविंद केजरीवाल जी बताए महिलाओं के सशक्तिकरण में क्या कार्य हो रहा है, और उत्तराखंड में घसियारी किट योजना से लेकर केंद्र की उज्ज्वला योजना से लेकर महिला सशक्तिकरण का कार्य अगर कर रही है, तो कहिए डबल इंजन की सरकार कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी पे मातृशक्ति सबसे पहले विश्वास जता रही है। घसियारी किट 22,000 महिलाओं को आज एक उपलब्धता दे रही है, वही मातृशक्ति के रूप में हम देखते हैं किस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि सहायता समूह के रूप में लोन देने का कार्य भी ये अपने मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री की सरकार कर रही है। पैतृक संपत्ति के अधिकारों की बात अगर की जाए जी। वो भी इसी सरकार ने दिया है उनको, खातेदार बनाकर महिलाओं को उनका अधिकार देकर जी। तो आंकड़ों और उदाहरण पे बात करें, ये घोषणावीर अरविंद केजरीवाल जी बार बार मुफ्त में युवाओं को प्रलोभन देकर दिल्ली के अपने कोई मॉडल को प्रस्तुत करने की बात करें, महिलाओं के लिए 1000 रुपए अगर ये दिल्ली में महिला सशक्तिकरण का कोई मॉडल दे पाए हैं, तो उसमें बात करें। मेरे साथी गजेंद्र चौहान जी बार बार कह रहे हैं कि हम लोग हमारे वादे सच्चे हैं, लेकिन इन वादों में कथनी और करनी में अंतर है, और बहुत बड़ा अंतर है। गौरव जोशी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे तीसरे गेस्ट भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मनमोहन पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी आज की चर्चा में। जी जी गौरव जोशी जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। अनाथ बच्चों के लिए हमने देखा किस प्रकार इस कोरोना काल में लोग दिवंगत हुए हैं जी, उनको भी ये मुख्यमंत्री युवा सरकार आज सहारा देने का काम कर रही है। आंगनबाड़ी अपनी जितनी भी महती है उनका मानदेय बनाने का कार्य किया है, कार्य आशा कार्यकर्ती हमारी बहनें हैं, तो हम लोग उन उदाहरणों पे बात करें, हम उन मॉडलों पे बात करें किस प्रकार महिला सशक्तिकरण होगा जी। हम सिर्फ जुमलेबाजी और हम कहें कि हम ये कर देंगे, और यथार्थ आप अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 2 बार आप मुख्यमंत्री हैं जी। तो दिल्ली के उस मॉडल की बात करें, और बार बार ये मुफ्त में दे देंगे, मुफ्त में कर देंगे, इसकी मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड को आवश्यकता है जी। चलिए गौरव जोशी जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन मनमोहन पंत से इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मनमोहन पंत जी, आम आदमी पार्टी का जो दावा है, जो वादा है महिलाओं को 1000 रुपए देने का, वो क्या है, सम्मान या फिर अपमान, आप इसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड की जनता या उत्तराखंड की महिलाएं मातृशक्ति इतना वो नहीं है कि जो 1000 रुपए ले। पहली बात तो ये कि आम आदमी, लेकिन अगर महिलाओं को कुछ दिया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? ये एक जुमलेबाजी चल रही है, उत्तराखंड के साथ छलाव हो रहा है जी, और मैं तो मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के साथ जो है छलाव कर रही है। बाकी केजरीवाल जी अगर दिल्ली में दे रहे, दिल्ली में भी तो गरीब लोग हैं जी, दिल्ली में क्यों नहीं 1000 रुपए दे रहे हैं?
दिल्ली में भी 1000 रुपए दे सकते हैं महिलाओं को। उत्तराखंड में चुनाव हुआ इसलिए उत्तराखंड में घोषणा कर दी। तो दिल्ली में तो सरकार है उनकी जी, जी तो दिल्ली में भी दे सकते हैं। दिल्ली में उनकी सरकार है, दिल्ली में भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की महिलाओं के लिए उन्होंने 1000 की जो बात कही है, 1000 रुपए देने की, लेकिन ये गलत तो नजर नहीं आती, क्योंकि अगर महिलाओं के सम्मान में महिलाओं को कुछ अगर दिया जा रहा है, महिलाओं को कुछ भी अगर मिल रहा है, तो उसमें गलत क्या है? गलत नहीं है जी, पर पंजाब में भी 1000 की बात की है उन्होंने जी, कि हर महिलाओं को 1000 रुपए देंगे हम, और उत्तराखंड में भी कह रहे हैं कि 1000 रुपए हम महिलाओं को देंगे जी। तो पहले दिल्ली तो संभालो, दिल्ली को संभालने के बाद ही तो वो उत्तराखंड में इस तरह से काम कर रहे हैं और लगातार जो है दावे और वादे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपने पैर पसार रही है, तो आप आम आदमी पार्टी को कहां पर देखते हैं? क्योंकि इस बार तो आमने सामने की टक्कर, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आमने सामने की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में होने वाली है जी। लगता आप जो है ग्राउंड ही सर्वे नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड सर्वे की तो रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं सर। भाई आम आदमी कहाँ है? हमारे भाई गजेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ हैं जी। जी मैं खुद एक श्रीनगर विधानसभा जी, गौरव जोशी जी अभी आऊंगे आपके पास जी। तो ये तो एक मतलब चुनाव एजेंडा बना रही है लोग अपने आप में, कि हम लोग किस तरीके से चुनाव में एक एजेंडा लाए कि 1000 रुपए हर महिलाओं को दे हम जी। तो क्या 1000 रुपए महिलाओं को देने से इनको वोट मिल जाएगी? लेकिन मनमोहन पंत जी, कांग्रेस तो कहीं चुनावी एजेंडों में भी नजर नहीं आ रही, कांग्रेस तो कहीं अभी तक नजर ही नहीं आ रही है। कांग्रेस क्यों इस वक्त चुनावी माहौल में इतनी ठंडी नजर आ रही है? कहीं पर भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही। कांग्रेस कहीं ठंडे माहौल में नहीं है, कांग्रेस में पूरे प्रदेश के युवा जुड़ रहे हैं, और आप मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि हर दिन कांग्रेस में ज्वाइनिंग चल रही है। लेकिन धरातल पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार लोगों के बीच में जाकर संबोधन कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उस तरह से कहीं भी कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है सर। देखिए ऐसा है, कांग्रेस ग्राउंड पे है, ऐसा नहीं है कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव प्रचार कांग्रेस का चल रहा है, और पूरे प्रदेश के युवा आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। चलिए मनमोहन पंत जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी पहले हम गौरव जोशी का रुख करते हैं जी। गौरव जी, मैं सहमति दर्ज कराऊंगा किस प्रकार खोखले वादों की तरफ बार बार अरविंद केजरीवाल उदाहरण को पेश कर रहे हैं जी। मैं अपनी सरकार के कुछ बिंदुओं पे बात करना चाहूंगा कि महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए 5 लाख का ऋण इस युवा सरकार और भाजपा सरकार ने दिया है। सरकार के बढ़ाई के लिए तीलू रोहतड़ी पुरस्कार, हम प्रदेश सरकार में तीलू रोहतड़ी की जितनी आंगनबाड़ी पुरस्कार हैं उनको तीलू रोहतड़ी सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। वहीं आदि आबादी को अगर दिया भूमिदारों में पैतृक संपत्ति की अगर बात की जाए जी, उसमें हम देखते हैं किस प्रकार महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, महिला सशक्तिकरण का एक सार्थक उदाहरण पेश किया है जी। तो हम आंकड़ों पे बात करें, हम लोग 1000 रुपए देकर वोट बैंक खरीदने की बात करते हैं, हम लोग एक वोट बैंक के लिए एक तबके को समझ रहे हैं कि ये हमारा वोट बैंक बन जाए, हम एक खरीदारी और खरीद फरोख की ये काम कर रहे हैं। ये केजरीवाल जी का ये सीधे सीधे अच्छा एजेंडा सेट करते हैं कि किस प्रकार मैं खरीद फरोख करूंगा, उत्तराखंड का वोट बैंक मैं इस तरीके से खरीदूंगा, और उसी का ये उदाहरण पेश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब गौरव जोशी जी आप कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में आकर जो दावा कर रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, वो साफ साफ वोट खरीद रहे हैं लोगों को, 1000-1000 रुपए देकर महिलाओं का वो वोट खरीदना चाह रहे हैं। बिल्कुल राखी जी, गौरव जोशी जी, इसी पर हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से इस पर जवाब लेना चाहेंगे, क्योंकि जो सवाल आपने किया है उसका जवाब जी। गजेंद्र चौहान जी, आपने सुना अभी गौरव जोशी को, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी 1000 रुपए देकर वोट खरीद रही है सीधे सीधे। ये वोट खरीदने का बेचने का काम तो सिर्फ बीजेपी का और कांग्रेस का है जी। जी आम आदमी पार्टी ने कभी ना वोट खरीदे हैं, हमने तो सिर्फ लोगों को काम दिया है, ठीक है जी? जी लोगों को हमने स्वास्थ्य दिया है, शिक्षा दी है, रोजगार की बात की है, बच्चों को हमने इतनी अच्छी शिक्षा दिल्ली में दी है कि 99% नंबर यहाँ बच्चों के आते हैं जी, ठीक है जी? इतना अच्छा स्वास्थ्य के हमने अस्पताल खोले हैं कि आप देखिए अभी भी हमने 6-7 अस्पताल अभी 3-4 महीने के अंदर शिलान्यास किया है जो बनने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमने मोहल्ला क्लिनिक 11000 बनाए, 1100 के मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, उसमें काम देखिए आप कितना बढ़िया काम कर रहे हैं हम लोग जी। और जो ये कहते हैं कि तीलू रोहतड़ी पुरस्कार, अभी जो विवादों में आया था
तो इस बार जो तिलु रोहतरी पुरस्कार दिया, इन्होंने बीजेपी के अपने ही किसी महिला को जो इनके रिश्तेदार है उनको दिया, बहुत विवाद हुआ इस पे। ऐसा काम हम नहीं करते, हम तो आम आदमी की बात करते हैं। तो हमने 1000 रुपए दिया है, सम्मान किया अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का सम्मान किया हमने, अपनी माताओं का सम्मान किया हमने। जरूरत हमारा बस चले हम 2000 दे दें, लेकिन अभी हमें पता है कि यहाँ पे 15 से 20 हजार करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है, हर साल घोटाला हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी अगर 3000 करोड़ सिर्फ लगेगा एक साल का, अगर हमने दिया तो क्या बुरा किया हमने, सम्मान किया महिलाओं का हमने, तो ऐसा कुछ नहीं है। खरीद प्रमुख हम नहीं करते, जुमले हम नहीं बोलते, जुमले की सरकार सिर्फ बीजेपी है। और आम आदमी पार्टी जो है आप देखे क्या काम कर रही है, पूरे देश में काम करेगी। हम चाहते हैं कि आखिरी आदमी जो आम आदमी है उसके लिए हम सेवा करें, उसको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, जो दिल्ली में मॉडल है। और सुनिए, पूरे देश में सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जिसको कि जो सिर्फ प्रॉफिट में है, बाकी सारे राज्य जितने भी हैं राज्य पूरे देश में सब घाटे चल रहे, सारी कांग्रेस सारी पार्टियां। चलिए कोई बात नहीं, गजेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। गौरव जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि अब बहुत कम समय उत्तराखंड में चुनाव का बचा है और आप देख सकते हैं किस तरह से चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी या बाकी हम अन्य दलों की बात करें तो हर कोई मैदान में उतर गया। ऐसे में आप अपने चुनावी प्रतिद्वंदी के तौर पर किसे देखते हैं, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? देखिए राखी जी, आम आदमी पार्टी को तो देखने का सवाल ही नहीं है। संगठन कोई नहीं है धरातल पर। अगर हम कहेंगे कि सीधे से कुछ प्रलोभन और हम दिल्ली के उस मॉडल को प्रस्तुत कर देंगे जो कम से कम हमारे राजनीतिक और उसके आर्थिकी का हम लोग जानते हैं किस प्रकार दिल्ली में उसकी ग्रोथ, उसकी जीडीपी किस प्रकार विकास दर में काम करती है, देश की राजधानी है। उत्तराखंड को जी आप सुन पा रही हैं राखी जी मुझे? बिल्कुल बिल्कुल गौरव जी, मैं आपको सुन पा रही। उत्तराखंड की अगर हम भौगोलिक परिस्थितियों को समझे, उत्तराखंड के हम सोर्सेस को समझे, तो उस प्रकार उत्तराखंड का मैनोफेस्टो तैयार होना चाहिए। मुझे तो अभी अभी सीधे सीधे मुकाबले में कांग्रेस से हमारा मुकाबला लगता है। अच्छा। और कांग्रेस के भी जो दिग्गज नेता थे वो भी हमने पिछली सरकार में हमें लगाया कि हमें दिखा है साथ साथ कि 11 विधायक जो बाहुबली नेता कहे जाते थे कांग्रेस के, वो भी हमारे पास हैं। तो हम लोग सीधा मुकाबला मानते हैं, लेकिन वो मुकाबला भी हमारा पूरा आज हम एबीपी न्यूज के पोल सर्वे का मैं सर्वे करूंगा और ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पूरे सर्वे में हमें दिखा रहा है कि हम किस प्रकार इस बार भी समीकरण और बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। और जिस प्रकार इसे त्रिकोणिया और यूकेडी और अन्य क्षेत्र दलों की बात की जाती है तो वो कहीं ना कहीं धरातल पे नहीं है और उनका कोई संगठन भी काम नहीं कर रहा है। गौरव जोशी जी, गौरव जोशी जी, अभी आपने कहा कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो आज बीजेपी के साथ हैं। बिल्कुल। और बीजेपी को और कांग्रेस की बी पार्टी भी कहा जाता है, क्योंकि अभी आपने खुद कहा कि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो तो आज आपके पार्टी में, वो आज आपके साथ है। देखिए राकेश जी, बी पार्टी तो संभव ही नहीं है ना। जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर ली, भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ हो लिए और आज मुखर रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो संभवता है कि हाँ वो एक दल एक विचारधारा से पहले जुड़े रहे। वहाँ एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, हरीश रावत जी एक हिटलर शाही और हरीश रावत जी एक डिक्टेटरशिप के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्होंने उनकी बगावत करी और उन्होंने कहा कि हम एक मोदी जी के विकास के साथ हैं और विजन के साथ हैं। जी तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से बीजेपी ने तो ये दाव भर दिया कि हम अगर अपना प्रतिद्वंदी किसी को मानते हैं तो वो कांग्रेस है। हालांकि बीजेपी का कांग्रेस को प्रतिद्वंदी मानना दो तरह से सामने आ रहा है। जी गौरव जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं, बीच में संपर्क टूटने की वजह से बात पूरी नहीं हो पाई थी। जी राखी जी, मैंने उन समीकरणों को कहा किस प्रकार दिग्गज नेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हो, चाहे हम लोग देखते हैं सुबोध उनियाल जी हो, बहुत चरणों पर हम लोग देखते हैं किस प्रकार उनके एक लंबा अनुभव रहा है राजनीतिक जीवन का। जी। आज वो भाजपा विचारधारा को पसंद करते हुए भाजपा के विकास कार्य के साथ हो लिए हैं और उसी विकास कार्य के साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर जी
कार्य कर रहे हैं। गौरव जोशी जी, जिस विचारधारा का दामन थामकर कांग्रेस से यशपाल आर्य बीजेपी में गए थे, वो वापस कांग्रेस में शामिल हो गए और कहा कि बीजेपी में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, खुल करके वो अपने फैसले नहीं ले पा रहे थे। देखिए राखी जी, जी हम सब जानते हैं यशपाल आर्य जी की बात की जाए, उनको कहीं ना कहीं अपने विधानसभा क्षेत्र से लड़ने पर संशय था। अच्छा। उनको कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि मैं चुनाव हारने जा रहा हूँ, उनको लग रहा था कि मेरी कहीं ना कहीं दाल नहीं गलेगी इस बार चुनाव में, मेरे विकास कार्यों में कहीं ना कहीं मैं दूरी बना चुका हूँ, तो उनको लगा कि मुझे चुनाव के हित में मेरे को आज नुकसान हो सकता है। इस कारण उन्होंने निर्णय लिया कि मैं कांग्रेस पार्टी को पूरा जोड़ लूं। गौरव जोशी जी, एक बात समझ नहीं आई, गौरव जोशी जी एक बात समझ नहीं आई इस पूरे, आपने जिस तरीके से कहा कि उन्हें ये डर था कि वो अपने क्षेत्र में विकास काम नहीं कर पाए, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन विकास काम वो कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया कि विकास काम भी वो इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो खुलकर फैसला ले ही नहीं पा रहे थे बीजेपी के राज में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जी, और कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी क्षमताओं को आदमी किस प्रकार क्रियान्वयन कर रहा था ये वो अपनी भली भांति रूप में जाने, उनको मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो अपने 8 बार के हरवंश कपूर जी आज इस दुनिया में नहीं है, इतने वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर कैबिनेट मंत्री बनाया जी, और उनको इतनी उपलब्धता और मंच दिया, उसके बाद भी अगर वो आज कहते हैं कि मेरी उपलब्धता नहीं थी या मेरे को कार्य करने नहीं दिया गया, ये तो नाइंसाफी होगी। मनमोहन पंत जी, आप आगामी चुनाव में अपना प्रतिद्वंदी किसे समझते हैं, आम आदमी पार्टी बीजेपी? जी मनमोहन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। 2022 के चुनाव का घमासान जारी है, आप देख सकते हैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, यूकेडी और जितने भी अन्य क्षेत्रीय दल हैं, वो हर एक जनता के मुद्दों को लेकर इस वक्त मैदान में उतर चुका है और कोशिश यही, जिसके पास सत्ता है वो कोशिश ये कर रहा है कि वो सत्ता पर काबिज रह सके, और जिसके पास सत्ता नहीं है वो ये कोशिश कर रहा है कि वो सत्ता पर काबिज हो सके। ये सत्ता की जो दौड़ है ये लगातार अब कुछ महीनों से जारी है। और एक बार फिर तीनों गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। मनमोहन पंत जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को या फिर बीजेपी को किसे अपना प्रतिद्वंदी समझती है आगामी चुनाव में? देखिए आगामी चुनाव, हेलो, आवाज आ रही मैडम? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी देखिए, 2022 में उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस आएगी और हर उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की मैल मात्र शक्ति, उत्तराखंड का बुजुर्ग, हर कोई कांग्रेस से जुड़ना चाह रहा। जी हर कोई जुड़ना चाह रहा है, ये आप भी दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएंगे। बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम तो सत्ता में काबिज हैं और अब तो 60 के पार हम लोग सीटें लाएंगे। नहीं, वो तो आगामी 22 में आप देखिए कि 22 में देख सकते हैं आपकी क्या होता है, वो तो आपको आगे टाइम दिखाएगा, चुनाव दिखाएगा। मनमोहन पंत जी, आप अपनी चुनौती के तौर पर किसे देख रहे हैं, बीजेपी को या फिर आम आदमी पार्टी को, या फिर क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए कितनी खतरनाक इस बार चुनाव में साबित होने वाली है? आम आदमी पार्टी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी कांग्रेस को। अच्छा जी, चलिए जी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और 2022 में कांग्रेस सरकार बना रही है। चलिए बहुत शुक्रिया, फाइनल कमेंट मैं आप तीनों का लेना चाहूंगी। गौरव जोशी जी, आपसे फाइनल कमेंट, क्या कुछ तैयारी आपके चुनाव को लेकर और क्या कुछ आने वाले चुनाव को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने की तैयारी? राखी जी, अब की बार 60 पार का नारा भाजपा संगठन ने भी दिया है और 24 दिसंबर को हल्द्वानी में जी राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी के नेतृत्व में एक कुमाऊं मंडल में भी रैली होने जा रही है जो कि भव्य और दिव्य होगी जी। और हमको इस प्रकार भाजपा के रूप में एक अभियान भी, हर घर भाजपा, घर घर भाजपा अभियान के रूप में हम हर प्रत्येक बूथ, प्रत्येक शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन और कोर कमेटी बन चुकी है और चुनावी स्तर पर महाबिगुल बनने जा रहा है। और इस बार अब की बार 60 पार का नारा सार्थक करते हुए हम पुनः
उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं जी। और उत्तराखंड में किस प्रकार मोदी जी का संकल्प एक युवा मुख्यमंत्री को नेतृत्व के रूप में दिया है, युवा संकल्प दोबारा क्रियान्वयन होगा और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने विजय करेगी संकल्प। चलिए गजेंद्र चौहान जी, फाइनल कमेंट, आपको क्या लगता है किस को आप अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखते हैं और क्या लगता है क्या इस बार आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होने वाला है 2022 के चुनाव में? देखिए राखी जी, मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, दोनों भाई भाई है ये। अच्छा। अब जब तीसरे विकल्प के रूप में जब 62% लोगों ने मतदान किया कि तीसरा विकल्प हमें चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे, उनके बच्चे बीए पास एमए पास बच्चे चला रहे बकरियां वो लगा रहे हल गांव में, बड़ा शर्मसार होना चाहिए दोनों पार्टियों को कि ना हमारी युवाओं को ना रोजगार दे पाई, ना हमारी महिलाओं को अच्छा अस्पताल दे पाई जी। मतलब महिलाओं को जच्चा बच्चा के समय इतना रोना पड़ता है, इतनी मौतें हुई ना जी। ये जिम्मेदार होंगे मौतों के, और ये नहीं मैं कह रहा हूँ पूरी उत्तराखंड में चाहे बीजेपी से कांग्रेस सही है, ये जिम्मेदार होंगे, क्योंकि 25-30 किलोमीटर तक महिलाओं को जाना पड़ता है गाड़ी में, वहां डॉक्टर नहीं मिलता, फिर रेफर सेंटर पौड़ी, रेफर सेंटर श्रीनगर बेस अस्पताल। गजेंद्र चौहान जी, कैसा प्रदर्शन इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का रहेगा? दो शब्दों में बात को खत्म। हम दो शब्द ये कह रहे हैं जी, अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस वाले जा रहे हैं बीजेपी में, अभी यस पार आ रही है वापस आ गए, पहले कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, अभी और लोग आएंगे। हमारा प्रदर्शन ये होगा, हमारा नारा है 67 पार, जो दिल्ली में हमने दिया है, कांग्रेस 0 और बीजेपी 3 सीट पे रुक के रह गई, वही हम उत्तराखंड में करने जाएंगे, क्योंकि हमारा काम का वोट है। हमारे सिर्फ पहले मुख्यमंत्री देश के जो कहते हैं केजरीवाल जी, अगर मेरा काम अच्छा लगे तो मुझे वोट देना वरना मुझे वोट मत देना। इतनी रैलियां करी, इतने मुख्यमंत्री मंत्री और प्राइम मिनिस्टर जी हमारे दिल्ली में, इतनी उन्होंने रैलियां करी, लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी को हरा नहीं पाया, क्योंकि ये काम का वोट था, ये महिलाओं का वोट था, सम्मान का वोट था, युवाओं का वोट था। पंजाब में क्या हुआ गजेन जी, पंजाब हमने जाना है, गौरव जोशी जी फैलाओ जी जी जी, किस प्रकार आपका एक दिल्ली से दायरा बाहर कितना है ये हम लोग भली बात ही जानते हैं। अब देखिए ना पंजाब में क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सर्वे पंजाब में भी हम। चलिए चलिए चलिए, मनमोहन पंत जी, मनमोहन पंत जी, फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए, चुनावी दंगल है, चुनावी दंगल में हर पार्टी अपना दावा ठोकती है जी। ठीक है, आम आदमी पार्टी भी है, वो भी एक भाग्य निर्माता के रूप में देख रही की मैं उत्तराखंड में सरकार बना रही हूँ, है ना जी। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है, और रही भाजपा की बात तो 17 में जो नारा दिया था हर हर मोदी घर घर मोदी, अभी गौरव भाई कह रहे हैं कि हर हर भाजपा घर घर भाजपा का नारा लेकर हम चलेंगे जी। अभी गौरव भाई ने बोला कि हम हर हर भाजपा घर घर भाजपा का नारा लेके चल रहे हैं। पंत जी, आपने भी हर हर भाजपा घर घर भाजपा कह दिया है। नहीं, आपका नारा है, आपका नारा है, नारा एक नारा एक और था आपका, हर घर नल, लेकिन नहीं है जल उसमें, और हमारे भारत मुख्यमंत्री दिखाएंगे आपको। चलिए जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, राकेश जी एक मिनट सिर्फ, मैं चाहता हूँ कहना, जिस इंसान ने बिना लालच के 15,000 बच्चों को नौकरी दी, उसी कर्नल कोठियाल जी को आम आदमी पार्टी ने झाड़ू दिए, झाड़ू जो उत्तराखंड में सफाई करेगी, गंदगी साफ करेगी, ये जो भ्रष्टाचार का दिखाएंगे हम आपको, जिस इंसान ने नव निर्माण किया है उत्तराखंड में, केदारनाथ जी का, वही उत्तराखंड में नव निर्माण करेगा उत्तराखंड का, हमारे कर्नल कोठियाल जी हमारे भावी मुख्यमंत्री हैं जी। वो कर्नल कोठियाल जी राष्ट्रवादी हो सकते हैं, राष्ट्रवादी हैं, हम भी तैयार हैं जी जी जी। लेकिन बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय की कमी है इसलिए अभी हम डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो आपने देखा कि 2022 का जो चुनावी घमासान है वो जारी है, और ये सत्ता की दौड़ लगातार चुनाव होने तक जारी रहेगी। फिलहाल 2022 में सत्ता पर काबिज कौन होगा, ये तो 2022 के चुनावी नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए News31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।